Hello, everyone. I welcome you back to this channel, Civil Spotlight, and today we are going to discuss the foundation design steps and a numerical on those steps. This is lecture 6, part 2. So, before beginning, this is all about me, myself, Piu Sharma, and me to guide you for the competitive exam. So, let's begin our lecture. अभी तक हमने सारे जो डिज़ाइन अंडरस्टैंडिंग्स हैं वो देख लिए और आज हम बात करने वाले हैं डिज़ाइन स्टेप्स की यहाँ पे जो मैं बात करने वाला हूँ वो है बेसिकली आइसोलेटेड फुटिंग की तो आइसोलेटेड फुटिंग में <coughs> आपको कुछ कुछ इंफॉर्मेशन गिवन रहेगी जैसे कि आपको फुटिंग डिज़ाइन करनी है कॉलम की डायमेंशन आपको गिवन है से यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर कॉलम गिवन है ए बाय बी का तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ अगर रेक्टेंगुलर हो सकता है स्क्वायर हो तो ए बाय ए का कॉलम हो गया और रेक्टेंगुलर तो एक साइड बड़ी होनी चाहिए तो मैं ए को बड़ा कह रहा हूँ यहाँ पे तो आप बड़ा वाला ए ले सकते हैं लोड गिवन होगा जो कॉलम से फाउंडेशन में ट्रांसफ़र करना है सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल होगी क्यू नॉट किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट एंड स्टील भी गिवन होगी तो अब हम डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं तो कैसे करोगे आप डिज़ाइन सबसे पहला है साइज ऑफ फाउंडेशन डिसाइड करना जो लोड है कॉलम के ऊपर से पी गिवन है तो आपने कहा जो वेट ऑफ फाउंडेशन होगा वो पॉइंट वन टाइम्स द लोड हो जाएगा ओके तो टेन परसेंट ऑफ पी जो है वो माना गया है वेट ऑफ फाउंडेशन तो टोटल तो लोड कितना हो गया वन पॉइंट वन पी यानी कि ये लोड जो है ये फाउंडेशन पे आ रहा होगा ओके सर ठीक है हमारे को पता है कि हमारा सॉयल कितना बियर कर सकता है उसकी बियरिंग कैपेसिटी है क्यू नॉट किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो इस तरीके से मैं एरिया ऑफ फुटिंग रिक्वायर्ड निकाल सकता हूँ 1.1 पॉइंट वन पी बाय क्यू नॉट से और इसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर सकते हैं साइज ऑफ फुटिंग क्या होगी क्योंकि ये रेक्टेंगुलर कॉलम था तो रेक्टेंगुलर कॉलम के लिए रेक्टेंगुलर फुटिंग ही दी जाएगी तो बी बाई एल से यहाँ पे बी जो है वो छोटा है एल से मतलब मैं डायमेंशन भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे हम मूवमेंट निकालेंगे शेयर चेक करेंगे तो वहाँ एल और बी में कन्फ्यूजन हो इसीलिए तो बड़ा तो मैं एल को ही लूंगा ठीक है सर हमारे अब सॉइल के ऊपर नेट प्रेशर क्या हो जाएगा वो हो जाएगा बी इन टू एल इजिक्वस टू डब्ल्यू नॉट ओके अब ये किस पे आया अभी तक हमने एक बार भी फैक्टर्ड नहीं किया है जबकि डब्ल्यू एस एम के केस में अनफैक्टर्ड होता है और एल एस एम में फैक्टर्ड होता है तो ये जो W नोट निकाला है बेसिकली ये डब्लू वाला हुआ और एल <coughs> के लिए इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करके WU यू बना देंगे यानी कि हमें डिज़ाइन करना है फुटिंग को जो कि बी बाई एल डायमेंशन की है जो resist करेगी WU यू किलो न्यूटन लोड आ गई बात समझ में तो क्यू नोट से ज़्यादा के लिए डिज़ाइन कर रहे हो तो इसके अकॉर्डिंग क्या मिल जाएगी हमें हंड्रेड सेफ्टी मिल जाएगी इसलिए काम धाम किया है सिर्फ दस परसेंट का ध्यान रखना दस परसेंट इंक्रीमेंट इसलिए करते हो क्योंकि वेट ऑफ फाउंडेशन ले लेते हो यानी कि आप जो कॉलम से लोड आया वो पी है तो एक तो ये फुटिंग जो बनाने हो या फाउंडेशन बना रहे हो ये आर प्लस स्टील की बनने इसका अपना वेट है प्लस ये कुछ ना कुछ ज़मीन के नीचे होता है तो उस जमीन का यानी कि जो सॉयल है वो प्लस जो आर पोर्शन है फाउंडेशन का उसका टेन परसेंट हम इंक्रीमेंट मानते हैं ये बात आ गई सर समझ में आगे बताएं डेप्थ कैसे निकालोगे हाउ टू डिटरमाइन डेप्थ ऑफ फाउंडेशन सो डेप्थ निकालने के लिए हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में तीन तरीके से निकालना है मूवमेंट फिर वन वे शेयर ठीक है और फिर बाद में है टू वे शेयर तो हम सबको चेक करेंगे सबसे पहले बात करते हैं यूजिंग मूवमेंट दैट इज फर्स्ट बेंडिंग मूवमेंट अबाउट एक्स एक्स एक्सेस तो दिस इज आर एक्स एक्स एक्सेस एंड दिस इज़ आर वाई वाई एक्सेस तो इसके अबाउट कैसे मूवमेंट निकालेंगे हमने कहा था सॉलिड स्लैब की तरह डिज़ाइन करना सॉलिड स्लैब में वन मीटर लेते हैं विथ्थ उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर देते हैं तो यहाँ पर भी मैं वन मीटर लूँगा विर्थ और उसके अकॉर्डिंग डिजाइन करता रहूँगा सॉरी वन मीटर विर्थ एरिया फ्रॉम फेस ऑफ कॉलम इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन मतलब देखो कुछ नहीं आ, हमें पता है कि मोमेंट या केस में जो फेस ऑफ कॉलम है वो ज़्यादा व्यूनरेबल तो हम यहाँ से वन मीटर ले रहे हैं विर्थ वन मीटर विर्थ और बाकी जो भी ये लेंथ हो गई तो वन मीटर विर्थ बाकी जो ये भी लेंथ हो गई तो ओ एक्स वन क्या हो जाएगा B माइनस स्मॉल बी डिवाइडेड बाई टू तभी तो एक साइड की ये वन मीटर विर्थ वाली जो है इस एरिया का डिज़ाइन मिलेगा <coughs> अब आप पूछ रहे सोच रहे होंगे या आपको ये पूछना चाहिए कि सर यार आप मूमेंट क्या लेंगे मतलब डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय एट लोगे वो तो सिंपली सपोर्टेड का होता है यहाँ कैसे बनाओगे ये तो फाउंडेशन है उसका मैं तरीका बताता हूँ देखो यहाँ बेंडिंग मूमेंट है डब्ल्यू यू ओ एक्स को से कोई भी एक टर्म दे दो एक्स बोल दो एक देर के लिए डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय टू आप पाएंगे ये डब्ल्यू इंटू एक्स इंटू एक्स बाई टू की फॉर्म का है आप कहेंगे ये तो सर कैंटी लिवर वाला यूडीएल है हाँ अपन क्या करते हैं इस चीज़ को लॉजिकली देखने की कोशिश करो ये कि छोटी सी यूनिट विड्थ है ठीक है इसको बना दिया सर ये ना इसके नीचे <coughs> सॉइल का डब्लू यू जो है इसको ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है तो सॉइल का जो डब्ल्यू यू है वो इसको ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है ये हम मानते हुए डिजाइन कर रहे हैं और इसको मान रहे हैं कैंटिलीवर जिसका एक एंड जो है वो ऑन द फेस ऑफ कॉलम है तो एक कैंटिलीवर जिसका जो एक पार्ट है वो ऑन फेस ऑफ कॉलम है तो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने ये बनाया तो इसी तरीके से फेस ऑफ कॉलम वो कैंटिलीवर एंड है फिक्स्ड एंड और इसके ऊपर ओ वाई वन की लेंथ है उसका डब्लू यू लग रहा है तो इसका मोमेंट क्या लोगे uh, W इंटू ओ वाई वन इंटू ओ वाई वन बाई टू करेक्ट उसी तरीके से ये रहा सो इट बिकम्स डब्ल्यू यू इंटू ओ एक्स वन डिवाइडेड बाई टू बेंडिंग मोमेंट इन एक्स डायरेक्शन वुड बी दिस थिंग ओ एक्स वन क्या हो जाएगा बी कैपिटल बी माइनस स्मॉल बी डिडेड बाई टू दिस इज द थिंग यल एस एम में आ गया और डब्ल्यू एस एम में uh, भी सेम ले रहे हो ले सकते हो बस यही डब्ल्यू यू और डब्ल्यू नॉट इन दो का ही डिफरेंस है एल एस एम और डब्ल्यू एस एम में सो इस तरीके से आप डिजाइन करोगे मूवमेंट अबाउट वाई वाई क्या हो जाएगा सिमिलर कंसेप्टू यू एल एस एम की बात कर रहे हैं तो डब्ल्यू यू सॉरी डब्ल्यू यू इन टू दैट थिंग तो ये हो जाएगा और जो वैल्यूज हैं उनको आप रख सकते हो बी माइनस टू का इन टू बी माइनस टू बाय दैट थिंग ट दंसर तो सिमिलरली हमने फाइंड आउट कर लिया बेंडिंग मूवमेंट इन एक्स एक्स एंड वाई वाई तो हमें क्या मिल रहा है इन दोनों में से मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा उसे हम चूज कर सकते हैं एज आवर डिजाइनिंग मोमेंट। अगर डिजाइनिंग मोमेंट की तरह चूज कर लिया इसको भी डिजाइन करेंगे तो क्यू बी डी स्क्वायर इजिकल्स टू बेंडिंग मूवमेंट अल्टीमेट से मूवमेंट के अकॉर्डिंग आने वाली डेप्थ के बारे में हम पता कर सकते हैं तो वो भी हमने कर लिया तो इस तरीके से सबसे पहला काम हो गया मूवमेंट के अकॉर्डिंग क्या इफेक्टिव डेप्थ आएगी वो निकाल ली अब बात करते हैं वन वे शीयर के अकॉर्डिंग क्या डेप्थ आएगी वन वे शीयर हमें पता है कि एट ए डिस्टेंस डी है वही वापस मैं वन मीटर लूंगा और इस लेंथ को अब यूटिलाइज करूंगा सो दिस इज ओ वाई टू जीरो ओ वाई टू को आ, देख सकते हो आप दिस वुड बी ओवरऑल लेंथ माइनस ए फिर माइनस टू डी डिवाइडेड बाई टू कैसे ये ओवरऑल एल है इसमें से ए माइनस कर दो फिर डी डी यहां से जाएगा और क्योंकि ये दोनों साइड का हो जाता तो डिवाइड बाई टू करते तो मुझे एक साइड का मिल गया वन मीटर की लेंथ है डब्लू इंटू वन मीटर लेंथ इंटू सॉरी वन मीटर विथ इंटू दिस लेंथ सो ये जो है ये वन वे शेयर के ऊपर आने वाला शेयर स्ट्रेस है यानी कि डब्ल्यू यू इंटू एरिया समझ रहे हो बात को ये एरिया हो गया इस शेडेड पोर्शन का <coughs> <coughs> इसके साथ साथ ये शेयर है इसको रजिस्ट करेगा कॉन्क्रीट सपोज करो हमने आर सी सी कोई इन्फोर्समेंट ही नहीं दी है आप शेयर इन्फोर्समेंट की बात करो लॉन्गेटनल की नहीं शेयर की तो शेयर नहीं है तो जो सी हमें टेबल नंबर नाइनटीन में याद हो इंटू वन इंटू डी क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वन वे शेयर के अंदर फोर्टी फाइव डिग्री पर जाएगा और इंपॉर्टेंट डेप्थ डी होगी ये चीज़ें मैं सब समझा चुका हूँ पिछले लेक्चर में तो वही कंसेप्ट यूज़ कर रहा हूँ टाउसी इंटू वन इंटू डी वन मीटर डेप्थ के लिए हम सॉरी वन मीटर विड्थ के लिए और डी डेप्थ के लिए चेक कर रहे हैं यानी कि हमें शेयर फोर्स ये दो मिल रहे हैं और हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे और इससे हम इफेक्टिव डेप्थ डी कैलकुलेट कर लेंगे अब आप कहेंगे सर टाउसी निकालने के लिए तो टेबल नंबर नाइनटीन में जाना पड़ेगा और टेबल नंबर नाइनटीन कहता है कि परसेंटेज स्टील दो ए एस टी बाई बी डी इन टू अब वो कहाँ से लाएंगे जब स्टील ही नहीं पता तो यहाँ अज्यूम कर लो फर्स्ट ट्रायल स्टील की आप पॉइंट परसेंट दे रहे हो फॉर M20 एंड अब जो भी आपको लगता है मैं तो हमेशा 0.25 परसेंट अज्यूम करके निकाल लेता हूँ तो 0.25 परसेंट अज्यूम करो और इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट कर लो अब सिमिलरली टू वे की बात करते हैं एस का क्या कंसेप्ट है एस दी पंचिंग फोर्स तो पंचिंग फोर्स आपको बताया था क्रिटिकल फेस के ऊपर तो क्रिटिकल फेस का पेरीमीटर इंटू डेप इंटू अलायबल शीयर स्ट्रेस यही बात की थी और ये एस जो है ये नीचे जो से जो सॉइल से डब्ल्यू यू आर आई इंटू बी एल माइनस ए माइनस डी मतलब ये वाला जो एरिया बी एल माइनस इंटू ए प्लस डी इंटू बी प्लस डी ये रजिस्ट करेगा यानी कि ये जो पर्टिकुलर रेड शेडेड एरिया था इसको हमने निकाला बी एल माइनस ए प्लस डी इंटू बी प्लस डी से इंटू डब्ल्यू यू कर दिया यानी कि सॉयल जो है नीचे से इसको ऊपर की ओर इस तरीके से धकेल रहा है और इसको रोकेगा कौन क्रिटिकल फेस और क्रिटिकल फेस हमें पता है डी बाई टू के डिस्टेंस पे है फ्रॉम ए और बी सरफेस के फेस के सो so, उसका पैरीमीटर इंटू डेप्थ इंटू टाओ वी पी सो so, ये ए प्लस डी प्लस डी प्लस डी हो गया इन टू डी एंड दिस थिंग अब इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो वी विल गेट द रिक्वायर्ड इफेक्टिव डेप्थ अब आप बात करेंगे टाओ वी पी की हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इट इज के एस टाइम्स द टाओ सी और टाओ सी की एक वैल्यू है जो मैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ उसे यूज करेंगे अब हमें पता चल जाएगा कि डी एज पर टू वे शेयर एज पर वन वे शेयर एंड एज पर मूवमेंट क्या होगी और उसमें से जो सबसे बड़ा इफेक्टिव डेप्थ होगा या डिज़ाइन डेप्थ होगा उसे हम चूज़ कर लेंगे जब हम बात करते हैं अगर हमने डेप्थ डिसाइड कर ली है तो एरिया ऑफ स्टील क्या होगा तो डिज़ाइन मोवमेंट एम एक्स की बात करते हैं यानी कि बड़ी जो लेंथ है मैंने आपको बताया था एल इज़ ग्रेटर देन बी तो मैं भी एल लेंथ की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम कुछ ऐसी ब्लू मेन बास डालेंगे दैट इज़ ए ए एस टीज एम यू एक्स बाय जीरो पॉइंट एट सेवन एफ वाई इन लीवर लिवर आन इसी को कंसेप्ट को यूज़ करें और दूसरा फार्मूला यूज़ कर लें ये फार्मूला हम स्लैब में यूज़ करते आए हैं जीरो पॉइंट फाइव एफ सी के एफ वाई वन माइनस अंडर रूट वन माइनस फोर पॉइंट सिक्स एम यू एक्स एफ सी के बी डी स्क्वायर इंटू बी डी इससे हमें पता चल गया कि हाँ भाई हमारा जो एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड है वो क्या होगा अभी तक आपने जो भी स्टील डिज़ाइन की है यहाँ पे ये विड्थ जो है ये थाउजेंड एम के लिए होती है आपको याद रखना ये बी इन टू एल को बी मत रख देना यहाँ जो जितना भी बी है वो वन थाउजेंड एम के लिए आ रहा है तो विड्थ जो थी स्टील के लिए वो वन थाउजेंड एम के लिए थी तो हमें पता करना है एल लेंथ में कितनी हुई तो वन मीटर विर्थ के अकॉर्डिंग मैं एल से मल्टीप्लाई कर दूंगा और एल से मल्टीप्लाई करके मैं नंबर ऑफ़ बार्स निकाल सकता हूँ कि एल लेंथ में कितनी बार्स देनी है तो नंबर ऑफ़ बार्स जो हैं जैसे कि एल मैंने आपको पहले ही बोल दिया था वो बी लेंथ से बड़ा है तो इसका मतलब इसके अंदर भी एक बी एग्जिस्ट कर सकता है तो हमारे जो कोड ने कहा है और प्रैक्टिस में है वो ये है कि जो बी है इससे इस तरफ मिनिमम दे दो और इसके इस तरफ थोड़ी सी ज़्यादा बार दे दो अब इसके बारे में कैसे पता करेंगे सिंपल ये फार्मूला यूज़ करेंगे नंबर ऑफ़ बार्स बियॉन्ड बी या नहीं सॉरी नंबर ऑफ बार्स इन लेंथ बी इज इक्वल्स टू टू डिवाइडेड बाई वन प्लस एल बाय बी इन टू एन एल एन एल इज़ टोटल नंबर ऑफ़ बार जो एल लेंथ के अंदर हमें देनी है न्यूमेरिकल करूंगा तब समझ में आ जाएगा वो एन बी नंबर ऑफ़ बार्स जो हैं आप यहाँ दे देंगे जो ब्लू कलर में आपको दिख रही हैं एन बी नंबर ऑफ़ बार्स हैं और जो बची कुची बार होंगी वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ये बची कुची बार कितनी हुई एन एल माइनस एन बी तो so this is how you are going to डिज़ाइन for the मेन स्टील in the फाउंडेशन अब आपने मेन एम एक्स पकड़ लिया अब एम वाई पकड़ते हैं एम वाई है तो मैं आपको ग्रीन कलर में दिखा रहा हूँ तो बी तो छोटा है कोई दिक्कत नहीं है फॉर्मूला लगाया विर्थ कितनी है थाउजेंड एम एम है तो थाउजेंड एम एम है तो बी लेंथ क्लिक कितना हुआ पता कर लिया ए एस टी वाई और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया थ्रू आउट बी विथ तो इस तरीके से बी और एल वर्थ में मेन स्टील जो है फाउंडेशन के अंदर दे दी जाएगी बट अभी भी हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है चेक नहीं की है वो है डेवलपमेंट लेंथ हमारा जो इफेक्टिव डेप्थ है वो इतना सफिशियंट होना चाहिए कि डेवलपमेंट लेंथ आसानी से दी जा सके तो डेवलपमेंट लेंथ का क्या फॉर्मला है जीरो पॉइंट एट सेवन एफ बाई फाइव डिवाइडेड फोर टाइम्स द टाओ बी डी परमिसेबल इसको यूज़ करेंगे एंड वी कैन फाइंड इट यहाँ पे एल डी सी यानी कि डेवलपमेंट लेंथ जो है वो इस तरीके से निकाल सकते हैं एल डी तो डेवलपमेंट लेंथ है सी मतलब कंप्रेशन या एल डी टी है यानी कि टेंशन तो टेंशन में 1.6 पॉइंट कंप्रेशन में एक्स्ट्रा 25 परसेंट इंक्रीमेंट करते हैं इसलिए मैंने आपको लिख के दिखाया हुआ है <coughs> <coughs> तो ये कुछ इस तरह का क्रॉस सेक्शन व्यू जाएगा यहाँ पे आपका कॉलम का सील जो है वो कंटिन्यू हो जाएगा और उसके बाद हम इसको एल डी डिस्टेंस पे ग्रेटर देन और इक्वल टू एल डी डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अभी नीचे जो बार है ये लॉन्गिट्यूडनल बार है और इसके अंदर ये वाला पोर्शन आ गया तो दिट इज़ इफेक्टिव डेप डी दिस इज ओवरऑल डेप्थ कैपिटल डी दिस इज़ बी इस डिस्टेंस के अंदर आपको एन बी के अकॉर्डिंग देना है और एल के अंदर बचा कुचा एन एल माइनस एन बी देना है अभी न्यूमेरिकल से आपको अच्छा सा समझ में आएगा तो बिफोर बिगनिंग न्यूमेरिकल कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन हैं वो देख लेते हैं फॉर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ बेटर टू यूज स्टेप्ड और स्लोप फुट फुटिंग स्लोप फुटिंग में आप स्लोप कितनी दोगे कोड रहे या जो प्रैक्टिस में है दोनों ही बात सेम है तो वो ये कहता है कि स्लोप फुटिंग में वन वर्टिकल इज टू थ्री हॉर्जोंटल यूज़ करना है तो so यहाँ पे ये वन वर्टिकल इज टू थ्री हॉरिजोंटल की आपको स्लोप दिख रही है अब इसी के साथ मैंने आपको बड़ा ही आ, अच्छे से यहाँ बताने की कोशिश की है ये बुक से उठाया मैंने एक और यहाँ पे ये देखो ये कॉलम्स के बार्स थे ये कॉलम बार हुए इसके बाद यहाँ पे कॉलम बार खत्म होते हैं बट हमें तो याद है कि इसे नीचे तक लेके जाना है तो इन बार्स को नीचे तक लेके गया लेके जाया जा रहा है दिख रहे होंगे आपको मैं ओवरलैप करके बना रहा हूँ और ने कहा गया एल डी टी इसलिए मैंने वहाँ पे एल डी टी टी लिखा था क्योंकि टेंशन के अकॉर्डिंग डिज़ाइन होने हैं और यहाँ पर भी ये एल डी टी की बात हो रही है डेवलपमेंट लेंथ की और मिनिमम हमें पता है कि इसकी थिकनेस इट शुड नॉट बी लेस देन 150 फिफ्टी mm, एम वही सेम यहाँ पे बुक में भी लिखा हुआ है 75 फाइव साइड कवर इन्होंने यूज़ किया है अपन को याद है फिफ्टी टू सेवनटी वैसे 50 एम mm एम से ज़्यादा देना है 75 और थोड़ा अच्छा हो जाएगा दिस इज हाउ यू कन डिजाइन अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसे कि ये वन टू थ्री फोर फाइव ये का क्या मतलब है तो मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है जैसे कि वन मेन रिनफोर्समेंट बैंट अब वर्ड्स इज रिक्वायर्ड मेन वन जो है वो मेन रिनफोर्समेंट बाहर है सिंपल सिंपल वर्ड पढ़ते है ना टू मेन री इन्फोर्समेंट वन इन अदर डायरेक्शन टू जो है ये अदर डायरेक्शन में मेन रेनफोर्समेंट थ्री जो है स्टार्टर बार एग्जैक्टली exactly, ये जो थ्री है कॉलम खत्म होता है उसके बाद जो एक्सटेंड कर रहे हैं क्या कहते हैं स्टार्टर बार कहते हैं और कई बार ऐसा होता है कि आप इन कॉलम बार्स को ही एक्सटेंड कर देते हो जरूरी नहीं है कि हर बार आप स्टार्टर बार ही दो मत दो स्टार्टर बार कोई दिक्कत भी नहीं कॉलम के इन बार्स को भी एक्सटेंड कर सकते हो जैसे कि मैंने यहां डायग्राम में बनाया हुआ है ये दो तरह के डायग्राम हो गए दोनों से आप समझ सकते हो कि जरूरी नहीं स्टार्टर दी जाए उसके बिना भी काम चल सकता है ओके फिर चौथा है स्टिरप्स अब आप कहेंगे सर आपने तो मना किया था देखो ये वाला स्टीरप है स्टार्टर बार या फिर कहाँ पे ये कॉलम के जो लेटरल uh, टाइज जो निकल के आती है ना वो वाली टाइज है जो कॉलम में कंटिन्यू हो रही है ये अगर स्टीरप होते यहाँ पे तो हम ऐसे दे रहे होते कुछ फाउंडेशन के अंदर वो नहीं है कोई भी कन्फ्यूज़ मत करना अपने आप को एंड फिफ्थ इज कॉलम बार्स तो कॉलम बार्स ये यहाँ पे दिख रहा है आपको तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप समझें कि यहाँ पर क्या हो रहा है इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम अगर आपने ये समझ लिया ना तो डिज़ाइन करना फाउंडेशन का आसान हो जाएगा ऑल दो मैं एक बड़ा और ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन ले रहा हूँ क्योंकि डायरेक्ट वाला अगर हो जैसे कि स्क्वायर हो चलो एक काम करते हैं स्क्वायर को भी थोड़ा सा देख लेते हैं बिफोर बिगनिंग दिस क्वेश्चन ये सिर्फ रेक्टेंगल का रह जाएगा फिर वापस से स्क्वायर डिस्कस करेंगे तो वापस से सब कुछ बताना पड़ेगा इससे अच्छा आप स्क्वायर को यहीं देख लेते हैं यहाँ पे अब तक मैंने जो भी बात की वो रेक्टेंगल के लिए थी सपोज करो स्क्वायर होता स्क्वायर होता तो क्या होता आ, इस चीज़ को भी डिस्कस यहीं कर लेते हैं स्क्वायर होता तो यहाँ पर मूवमेंट जो एक्स एक्स आ रहा है वही मूवमेंट एट वाई वाई आता क्यों क्योंकि ए बाई ए का हमारा कॉलम होता और उसको हम बी बाय बी या एल बाय एल जो भी आप देना चाहें उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर रहे होते तो एम एक्स और एम वाई बराबर हो गए होते डेप्स निकाल लेते सिमिलर वे में वन वे शेयर को यूज़ करते हम लोग चेक कर लेते टू वे शेयर को भी चेक कर लेते एरिया ऑफ स्टील निकालते तो वहाँ पे सिर्फ एम यू एक्स और एम यू वाई बराबर है तो दोनों तरफ क्या होता इक्वल स्टील का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता इसलिए आपको जो स्क्वायर के क्वेश्चंस होंगे उनमें इक्वल स्टील डिस्ट्रीब्यूटेड मिलेगा क्योंकि तो उसके अंदर बड़ी लेंथ के अंदर एक छोटी लेंथ के डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं की जा सकती है जैसे मैंने यहाँ पे की हुई है सो so, ये बात है और ये स्क्वायर बार को लेके थी तो मैं एक बड़ा टिपिकल क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पे डिस्कस करता हूँ डिजाइन अ रेक्टेंगुलर फुटिंग फॉर अ कॉलम ऑफ साइज दिस मच एम

अच्छा अपन क्या करते हैं हमेशा ए को बड़ा मानते हैं ना बी से तो यहाँ पे बड़ा कौन सा 500 तो ए को बोल रहे हैं 500 बी को बोल रहा हूँ 300 ठीक है लोड है 1400 हमें पता है 10 परसेंट इंक्रीमेंट करना है अभी अभी बताया था कर दिया सर तो हमें मिल गया इतना हमारा सॉइल कितना बियर कर सकता है 110 किलो न्यूटन पर मीटर तो हमने रख दिया वन एरिया निकल गया फोर्टीन मीटर स्क्वायर ओके हमें एक वर्थ पता है तब ने फोर्टीन बाई थ्री किया फोर पॉइंट सिक्स सेवन आ गया मैंने कहा चलो फोर पॉइंट सेवन मीटर की लेंथ दे दो तो एल की वैल्यू हो गई फोर पॉइंट सेवन और बी की वैल्यू हो गई थ्री तो अब एरिया प्रोवाइड कितना कर दिया फोर्टीन पॉइंट वन मीटर स्क्वायर यानी कि नीचे से अब सॉइल का प्रेशर कितना लग रहा होगा जो लोड पी है फोर्टीन हंड्रेड है डिवाइडेड बाई फोर्टीन पॉइंट वन नोट करना यहाँ पे वन पॉइंट वन का मल्टीप्लायर नहीं है यानी कि मैं सिर्फ कॉलम लोड के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन तो है उसी को बोलता हूँ नेट सॉइल प्रेशर नीचे से कितना आ रहा होगा इसी को मैं बोलूंगा डब्लू नॉट समझो इस चीज़ को कि डब्लू नॉट इज वन नॉट वन पॉइंट वन डिवाइडेड बाय एरिया प्रोवाइडेड इट इज ओनली वन पी डिवाइडेड बाय एरिया प्रोवाइडेड सो वी गॉट दिस थिंग नाइन्टी नाइन पॉइंट थ्री जीरो किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर और हमारा क्या है एल एस एम है तो वन पॉइंट फाइव से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यानी कि मैं अपने इसको कितने ज्यादा स्ट्रेस के लिए डिज़ाइन कर रहा हूं 148.95 यानी कि मैंने जो रिक्वायर्ड था उससे ज़्यादा स्ट्रेस को लिया है ऑन माय फुटिंग आप सोच रहे होंगे ऐसा तो नहीं जो कि वो हमारी सॉयल है वो तो झेल सकती है एक और आप डिज़ाइन कर रहे हो इस फुटिंग को फॉर 149 फोर्टी नाइन अप्रोक्सीमेटली नहीं नहीं समझने की कोशिश करो देखो एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ठीक है तो WU यू आया यहाँ पे नीचे से और पी आया ऊपर से तो ये फाउंडेशन का जो पोर्शन है इसको किस तरीके से डिज़ाइन करना है ऊपर से पी लोड के लिए और नीचे से डब्ल्यू यू लोड के लिए यानी कि मैंने अच्छा काम किया है असलियत में तो वन वन टेन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मैक्सिमम हो सकता है पर मैं उसको वन फिफ्टी बना के डिज़ाइन कर रहा हूँ इसका मतलब मेरी कभी भी फाउंडेशन फेलियर नहीं होगा आ गई आप लोगों को बात समझ में अब ये है इसका बेसिक कंसेप्ट चलो अब बात आ गई समझ में तो फोर थाउजेंड सेवन हंड्रेड एम एम थ्री थाउजेंड एम एम और बी और ए उसी अकॉर्डिंग सेम यानी कि ए बड़ा है तो फाइव हंड्रेड एम एम इधर और बी जो छोटा था वो इधर आ गया सबसे पहले अब इफेक्टिव डेप्थ डिटरमाइन करते हैं एज पर मोमेंट मोमेंट निकालने जाओ एक्स एक्स और वाई वाई तो एक्स एक्स किधर है एक्स एक्स ये रहा तो एक्सएक्स में <coughs> निकालेंगे तो वन मीटर विथ लो और ओ वाई वन और इसी तरीके से ओ एक्स वन वन मीटर विथ लेके so, तो दिस इज वी ऑल नो दैट और एम यू एक्स इज डब्ल्यू कैपिटल बी माइनस स्मॉल बी डिवाइडेड बाई एट एंड दिस स्क्वायर वी गॉट दिस थिंग और एम वाई वाई का मोमेंट निकालोगे तो वो आएगा थ्री हंड्रेड ट्वेंटी एट हमारा डिज़ाइन मोवमेंट देख रहे हो एम यू एक्स जो है वो 135 था और एम यू वाई जो है वो 328 हो गया कितना कितना बड़ा आ, डिफरेंस आ गया है वैसे मैं आपको ये बता दूँ ज़्यादातर क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे ये मैंने ज़बरदस्ती ये क्वेश्चन उठाया है जिनमें है ना एम यू एक्स आपको जनरली बड़ा मिलेगा एम यू वाई से ये क्वेश्चन इसीलिए उठाया क्योंकि इसमें एम यू वाई बड़ा है तो इसमें आपको माथा ज़्यादा मारना पड़ेगा और थोड़ा मतलब कंसेप्चुअल चेंजेस <coughs> हैं ऊपर सेम स्टेप्स हैं स्टेप सेम है व आप जो मैंने स्टेप्स यहाँ दिखाए ना बिल्कुल वही फॉलो करना अगर आपका एम यू एक्स बढ़ा है एम यू वाई से हमें कोई मतलब थोड़ी इन चीज़ों से एम यू एक्स बढ़ा है कि एम यू वाई से इन जनरल आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे ये तो समझाने के लिए उठाया हुआ मैंने तो देखो स्टेप कितनी हो जाएगी एम यू डिवाइडेड बाय क्यू बी डी क्यू बी डी एफ सी के है ना बी डी स्क्वायर होता है एम यू तो वो अंडर रूट का फॉर्म में लिख देते हैं डी जी को स्ट एम यू वाई क्यू बी डी ज़ीरो पॉइंट वन थ्री एट इंटू एफ सी के ये आ गया और ये थाउजेंड एम एम के लिए डिज़ाइन करोगे तो बिल्कुल सर रख दिया थ्री फोर्टी फाइव पॉइंट जीरो टू एम एम आ गई डेप्थ रिक्वायर्ड है मैंने कह दिया थे थ्री फिफ्टी एम एम ले लेते हैं यानी कि मूवमेंट के अकॉर्डिंग अपने को डेप्थ रिक्वायर्ड है थ्री फिफ्टी ठीक है वन वे शेयर के लिए, लिए भी निकाल लें सिमिलर डब्ल्यू यू इन टू वन और ये फार्मूला भी ऊपर डिस्कस किया सेम वैल्यूज़ रख दी और अज़्यूम कर लिया पॉइंट टू फाइव परसेंट स्टील जो है टेबल नंबर नाइनटीन में देखा टाउसी की वैल्यू वैल्यूरी न्यूटन पर एम स्क्वायर में गिवन थी मैंने इसको किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया ठीक है पीयूष आगे बता आगे क्या करना है इन दोनों को इक्वेट कर देना टाउसीक्वल्स टू जितना झेल सकता है हमारा कॉन्क्रीट इंटू वन इंटू इफेक्टिव डेप्थ सॉरी ऊपर और इसको इक्वेट कर दिया जो ये रहा। तो इनको इक्वेट करेंगे तो डेप्थ निकल के आएगी पॉइंट सिक्स वन फोर मीटर यहाँ सब कुछ मीटर में चल रहा है किलो न्यूटन और मीटर में इसको एमएम में कर लिया सिक्स वन फोर मैंने कहा सिक्स फिफ्टी एम दे देते हैं ठीक है सर ये भी हो गया फिर बात करते हैं टू वे शेयर का टू वे शेयर में हमें पता ये जो एस है वो शेडेड एरिया उसको रजिस्ट कौन करेगा क्रिटिकल सरफेस एरिया करेगा उसी का फॉर्मूला लगाया के एस इन टू टाउसी या के एस इंटू टाउसी एल एस एम की बात कर रहा हूँ तो टाउसी की वैल्यू जीरो पॉइंट टू फाइव अंडर रूट एफ सी के ओके के एस की वैल्यू का है जीरो पॉइंट फाइव बी बाई ए रख दिया वन पॉइंट वन जीरो कोड ने क्या कहा था कि के एस की वैल्यू कभी भी वन से ज़्यादा नहीं हो सकती है तो कितनी लेनी है मैक्सिमम वन से ज़्यादा नहीं हो सकती तो वन ले लेंगे तो के एस की वैल्यू क्योंकि यहाँ पर वन पॉइंट वन आई तो मेरे को कितनी लेनी पड़ेगी वन रख दो टाओ वी पी अलाउड कितना है वन इंटू जीरो पॉइंट फाइव अंडर उन्टी हमें मिल गया ये न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है इसको बदल देता हूँ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में और अब इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा तो इन दोनों को जब इक्वेट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें डेप्थ मिल रही है फोर नाइन्टी फाइव अप्रोक्सीमेटली फाइव हंड्रेड तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है सिक्स फिफ्टी तो मैंने कहा डेप्थ मैं दे रहा हूँ भाई सिक्स फिफ्टी एम एम ये डिज़ाइन डेप्थ हो गई है फाउंडेशन की अब एरिया ऑफ स्टील निकाल लेते हैं एरिया ऑफ स्टील निकाल लो एक्स डायरेक्शन में तो मूवमेंट इन एक्स रख दो हमारे विड्थ जो बी है यहाँ पे वो वाला बी नहीं है कि जो आप समझ रहे हो वो थ्री मीटर वो नहीं है ये क्या है वन थाउजेंड एम एम हम एक हज़ार एम एम के लिए डिज़ाइन करते हैं ना पहले वो वाला है निकाल लिया निकल के आ गया इतना फॉर थाउजेंड एम एम तो हमारी लेंथ एल के लिए कितना हो जाएगा अगर ये वन मीटर के लिए 589.97 है तो 4.7 मीटर के लिए 4.7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इतनी एरिया ऑफ स्टील हो गई मेन स्टील हमने कहा 16 एम mm प्रोवाइड कर दो तो निकल के आया 13.79 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली फोटीन नंबर ऑफ़ स्टील्स हमने प्रोवाइड कर दिए फॉर दिस एरिया अभी हमें चैन थोड़ी मिलेगा मिल जाएगा क्या नहीं ना तो एन भी निकालना पड़ेगा क्योंकि तो एन एल बड़ा है ना तो एन बी इज एन एल इंटू टू डिवाइडेड बाई वन प्लस एल बाई बी जो मैंने फॉर्मूला बताया उससे निकल के आया अप्रोक्सीमेटली यानी कि इलेवन बार्स आपको देनी है इन विर्थ बी और बची कुछ ही एल लेंथ के अंदर देनी होगी अब बचेंगी कितनी यहाँ पे फोर्टीन माइनस इलेवन करोगे तो बची थ्री अब थ्री थोड़ी ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं तो हम क्या करेंगे हैंड्स प्रोवाइड टू एंड टू बार्स ऑन ईच साइड इस तरीके से डिजाइन करेंगे तो इलेवन बार्स हो गई सिक्सटीन एम बार्स की और दो दो बार्स हमने साइड में दे दिए चलो ठीक है वाई वाई डायरेक्शन के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं वाई वाई डायरेक्शन का देख लिया तो यहाँ पर ज़्यादा स्टील निकल के आएगा हमने कहा कि ट्वेंटी एम एम बार दे लेते हैं ट्वेंटी एम एम बार भी दे लिया तो विल गेट दिस थिंग नंबर ऑफ फिफ्टीन बार्स ट्वेंटी एम एम के हिसाब से और क्योंकि शॉर्टर साइड है हमने रख दिया तो जो ये ब्लू में दिख रही हैं ये हमारी आपको याद होगा दो बार्स इधर एक दो और एक दो और इलेवन बार्स यहाँ पे बीच में दी हुई हैं ब्लू कलर में तो टोटल नंबर कितनी हो गई फिफ्टीन फिफ्टीन बार्स ऑफ़ सिक्सटी एम एम फाइव ये एक्स डायरेक्शन में चली गई और वाई डायरेक्शन में यहाँ पे क्या हो जाएगा ये देखो वाई डायरेक्शन के अंदर ग्रीन बार्स हैं तो फिफ्टीन बार्स ऑफ ट्वेंटी एम एम फाइव ओके okay, ये सब कुछ डिज़ाइन बड़ा आसान हो गया अब एक चेक और देख लेते हैं वो चेक ये है कि आपकी जो मिनिमम मेन स्टील है वो 15 सॉरी पॉइंट वन फाइव परसेंट ऑफ क्रॉस सेक्शन से बड़ी है कि नहीं तुम्हारी जो मेन स्टील जा रही है यहाँ पर ज़्यादा स्टील जा रही है वो ये रही क्योंकि डिज़ाइन मोमेंट एम आई है मैंने आपको पहले ही बोला था कई बार क्वेश्चन में एम डिज़ाइन स्टील चला जाएगा तो उस केस में आप एम डिवाइडेड बाई एल इंटू डी इंटू हंड्रेड रख के चेक कर सकते हैं कितना परसेंटेज आई और हमको कोर्ट ने बोला है वो मिनिमम परसेंटेज स्टील से ज़्यादा होना चाहिए तो पॉइंट टू टू परसेंट आया है जो कि पॉइंट वन फाइव परसेंट से हर हाल में ज़्यादा है सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डिज़ाइन इट नाउ आप एक ऐसा बनाएंगे और एक ऐसा बनाएंगे ऐसे में कॉलम को कंटिन्यू करेंगे और अभी देखो अभी तक हमने डेप्थ को किसके अकॉर्डिंग चेक किया हुआ है हमने इसको चेक किया हुआ है सर एज़ पर आवर शेयर एंड मोमेंट वन वे शेयर टू वे शेयर एंड मोमेंट अभी मैंने डेवलपमेंट लेंथ चेक नहीं किया अभी वो चेक कर देता हूँ बट कैपिटल डी देख लेते हैं क्या आ रहा है सिक्स फिफ्टी प्लस सिक्सटीन एम एम बार्ज हैं जो रहेंगी पहले ठीक है डिवाइडेड बाय टू क्योंकि आधी हो गई हैं प्लस ट्वेंटी एम एम क्योंकि हम सिक्स फिफ्टी एम एम जो ये ब्लू वाली बार्स के अकॉर्डिंग हमने बनाया हुआ है तो ब्लू वाली बार का आधा फिर ग्रीन वाली बार का पर प्लस फिफ्टी ओके okay, क्योंकि फिफ्टी हमने क्लियर कवर दिया हुआ है यहाँ पे फाउंडेशन में मिनिमम फिफ्टी क्लियर कवर देने की बात हुई थी मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है शुरू के फंडामेंटल्स के लेक्चर में तो कितना हुआ सेवन ट्वेंटी हमने कहा सेवन थर्टी एम दे देते हैं तो इस तरीके से आप अपनी फाइनल क्रॉस सेक्शन व्यू बनाएंगे अब इसको डेवलपमेंट लेंथ के लिए चेक कर लेते हैं जीरो पॉइंट एट सेवन एफ बाई फाइव फोर टाइम्स द टाओ बी डी रखोगे सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी टू एम एम अप्रोक्सीमेटली अब देखो कई बार आ, कुछ डिज़ाइनर्स कहते हैं कि नहीं इसकी डेप्थ ही है ना वो एल डी तो क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा हो जा रहा है उसके अकॉर्डिंग कर दो बट अपन यहाँ बैंड भी तो कर सकते हैं तो अपन बैंड कर देंगे यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो प्रोवाइड दिस थिंग इससे हमारा पैसा बचेगा और इसको यहाँ पर बैंड करेंगे तो ज़्यादा अच्छी जैकिंग भी हो जाएगी कॉन्क्रीट के अंदर इसकी तो इट शुड नॉट बी लेस देन एल डी तो बस यहाँ पे ये जरूर लिखें इट शुड नॉट बी लेस देन सेवन 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 हंड्रेड एंड फिफ्टी फाइव एम एम क्योंकि सेवन फिफ्टी टू आए ना इसको मैं सेवन फाइव फाइव एम एम बोल सकता हूँ इससे तो नहीं हो छोटा तो ये एल डी की वैल्यू से छोटी ना हो तो गाइज दिस इज़ द डिज़ाइन फॉर फाउंडेशन अब आपको स्क्वायर फाउंडेशन मिले सेम स्टेप्स फॉलो करने बस कैलकुलेशन अलग हो जाएगी और उसमें uh, कोई इस तरीके का जैसे कि बीच वाले बी की तरह कोई स्पेशल डिवीजन नहीं आएगा जैसे यहाँ पे आया ना ये बस उसको मत करना इसलिए मैं वो क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ आई होप इतना तो आप कर ही सकते हो so guys, design, तो गाइज दिस इज ऑल इन फाउंडेशन डिज़ाइन मतलब आइसोलेटेड फाउंडेशन डिज़ाइन तो बिफोर आई लीव आई रिक्वेस्ट यू गाइज सब्सक्राइब दिस चैनल शेयर इट विद योर फ्रेंड्स इफ यू हैव एनी क्वेरी मैंशन इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो तो मिलते अपन अपने आप अपने साथ नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन स्टेट स्टे हैप्पी कीप रिवाइजिंग गॉड ब्लेस यू ऑल